वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज जितने टॉपिक्स हम करेंगे उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ अ बॉडी टू मूव ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे हमें किसी बॉडी को मूव करना है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसकी कंडीशन क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम कंडीशन करने वाले हैं टू मूव द बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। यानी कि अगर मान लिया ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई अल्फा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर कोई बॉडी रखी है जिसका मास m है, तो वेट mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा mg cos अल्फा। नॉर्मली इसका रिएक्शन आ जाएगा r a कंपोनेंट mg sin अल्फा इधर काम करेगा। अब ध्यान दीजिए, हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं मान लिया एफ फोर्स से, तो कम से कम वो फोर्स कितना हो ताकि ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल सके। एफ फोर्स ऊपर लगेगा और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द कंडीशन टू मूव द बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। तो कम से कम ये दोनों फोर्स, ऊपर की तरफ वाला और नीचे की तरफ वाला, इक्वल होंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा और जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी। सो द फोर्स एफ शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द सम ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज स्मॉल एफ एंड एम जी साइन थीटा इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। दैट मीन्स एफ जो होगा दैट विल बी एम जी साइन थीटा प्लस एफ, और हम जानते हैं जो एफ सॉरी स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स रहेंगे ना, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। आर यहां पे किसके बराबर है, आर है एम जी कॉस अल्फा के बराबर, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस अल्फा। ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं तो कैपिटल एफ की वैल्यू आ जाती है एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फा। यहां से एम जी कॉमन ले लेते हैं, F will be mg sin alpha plus mu cos alpha। अब अगर टोटल वर्क डन देखें, सपोज यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो s है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी f इंटू एस, तो और कुछ नहीं साथ में s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg s sin alpha प्लस म्यू कॉस अल्फा। क्यों आसान है, मान लिया इसका वेट जो है वो नीचे काम करता है mg, दो केस में लेके चल रहा हूं साथ में, ये वाला केस सपोज पुलिंग का है और ये वाला केस जो है वो पुशिंग का है, ठीक है। अब मानने की बात है, मैं इधर बॉडी को फोर्स लगाता हूं एफ इस साइड ले जाने के लिए, तो अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है तो एक कंपोनेंट जो है एफ कॉस थीटा वो ऊपर हो जाएगा और एफ साइन थीटा जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अब बॉडी का नेट वेट क्या रह गया, नेट वेट ऑफ बॉडी वो हो जाएगा, क्योंकि पहले केवल एमजी था, अब एक फोर्स जो हमारा है उसका एक कंपोनेंट ऊपर भी लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है
या वेट कह लो, वो हो जाएगा एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, यानी कि नेट जो वेट है डब्ल्यू डैश वो कम हो गया। इस वाले केस में मान लिया हम इसको पुश करते हैं इस तरफ, मान लिया इधर ले जाना चाह रहे हैं, तो इस एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा है तो इधर एफ कॉस थीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो नेट वेट क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू डैश, इसमें देखिए ये जो एफ कॉस थीटा है और एम जी है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। तो देखिए पुलिंग के केस में नेट वेट जो है वो कम हो गया, यानी कि आपको बॉडी थोड़ी हल्की रहेगी, और पुशिंग के केस में नेट वेट जो है वो बढ़ गया एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, तो बॉडी आपको जितनी है उससे थोड़ी ज्यादा भारी रहेगी, तो इसका मतलब पुशिंग जो है वो मुश्किल रहेगी और पुलिंग है वो इजी रहेगी, सिंस नेट वेट इन केस ऑफ पुलिंग इज लेस, सो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। फ्रिक्शन जो है वो एक आवश्यक बुराई है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब फ्रिक्शन हमारी रिक्वायरमेंट भी है लेकिन वो हमारा लॉस भी करता है, यानी कि इस लाइन को आप एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि वो नेसेसरी क्यों है, यानी कि उसकी एडवांटेज क्या है, और वो इविल क्यों है, बुराई क्यों है, यानी कि उसकी डिसएडवांटेज क्या है, फायदा और नुकसान दोनों आपको समझाने हैं। तो मैं क्या करता हूं यहीं पे स्टार्ट कर देता हूं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम एडवांटेज का पहला पॉइंट लेके चलते हैं। देखो फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाते हो, क्योंकि कदम रखते हो जमीन में फ्रिक्शन होता है तभी आप मूव कर पाते हो, तो वॉकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर जमीन में फ्रिक्शन नहीं होता तो आप वॉक नहीं कर पाते, मान लिया बारिश की वजह से या किसी और कारण से जमीन पे चिकनाई है तो आप कदम रखेंगे तो फिसलने के चांस होंगे, चल नहीं पाएंगे आप वहां पे, जहां पे बहुत ज्यादा ऑयल सपोज बिखरा पड़ा है तो क्या आप वहां पे चल पाते हैं, क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम होता है या ना के बराबर होता है, तो यानी कि फ्रिक्शन जरूरी है अगर आप वॉक करना चाहते हैं। अब ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर इस मार्कर के टिप और बोर्ड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो राइटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, इसका मतलब लिखने का काम जो है वो फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तीसरा पहिया है, उस पहियों में आपने देखे होंगे कि बिल्कुल प्लेन नहीं होता सरफेस उसका, उसमें कुछ गड्ढे से होते हैं, कुछ डिजाइनिंग होती है, तो वो डिजाइनिंग शो के लिए नहीं होती, वो डिजाइनिंग इसलिए होती है ताकि टायर और सड़क के बीच में फ्रिक्शन बना रहे, फ्रिक्शन बना रहेगा तो ब्रेक लगाने आसान हो जाएंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी स्लिप मार जाती है, ब्रेक नहीं लगते। आपने देखा होगा बाइक पे या स्कूटी वगैरह पे आप चलते हैं, अगर उसका टायर बिल्कुल प्लेन हुआ पड़ा है स्मूथ एकदम, तो ब्रेक मारते ही वो स्लिप मार सकता है और बारिश में तो बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो ब्रेक तभी लग सकते हैं जब फ्रिक्शन ज्यादा हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक भी नहीं लगेंगे। चौथा, आपके घरों में वो जो मशीन होती है जिससे आप घास वगैरह काटते हैं तो वो मोटर से जुड़ी होती है बेल्ट के थ्रू, यहां मोटर चलती जाती है और बेल्ट उस मशीन को चलाती जाती है और घास कटता जाता है, तो वो जो बेल्ट है वो इस मशीन से फ्रिक्शन की वजह से जुड़ी होती है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो स्लिप मार जाएगी, इसका मतलब एक पार्ट से मोशन दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है जैसे बेल्ट के थ्रू हो रही है, तो वो किसके कारण होती है, फ्रिक्शन के थ्रू, मोशन ऑफ वन पार्ट ऑफ मशीन इज ट्रांसफर टू अनदर पार्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एक बॉडी एक पार्ट में मोशन हो रही है बॉडी के, उस मोशन को ट्रांसफर करना है दूसरे पार्ट तक, चाहे वो बेल्ट के थ्रू कर रहे हो गरारियों के थ्रू कर रहे हो, वो किसके कारण हो पाता है, फ्रिक्शन के कारण, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे,
पहला डिसएडवांटेज, ठीक है, फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है घिसना, टूटना, तो वो सब चीजें मशीन में किसके कारण होती है बेटा? फ्रिक्शन के कारण होती है। आपका जूता चलते चलते फ्रिक्शन के कारण घिसता है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो जूता घिसेगा भी नहीं, लेकिन फ्रिक्शन ना हो तो चल भी नहीं पाओगे, तो जूते का यूज क्या है? अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, आप पैदल चल रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अगर सड़क में और आपके पैरों के बीच में या टायर के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है। सोच के देखो, एक ऐसी रोड जिसपे स्मूथनेस नहीं है, कम है स्मूथनेस, मतलब रफनेस ज्यादा है, और एक जो सड़क है वो काफी स्मूथ है, तो ज्यादा स्पीड गाड़ी कहां बनेगी? जहां पे सड़क स्मूथ होगी, सड़क अच्छी होगी। एक सड़क टूटी हुई है वहां पे स्पीड नहीं बन पाती, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो फोर्स अपोज करता है, बॉडी ढंग से चल नहीं पाती है, तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। यानी कि वॉकिंग हो या ड्राइविंग हो, इट विल टेक मोर एफर्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां एफर्ट ज्यादा लगेगा। थर्ड, और क्या डिसएडवांटेज है बेटा? फ्रिक्शन की वजह से जो आपकी बॉडी पार्ट्स मशीन के घिसते हैं उसकी वजह से अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन ऑफ अननेसेसरी हीट। फ्रिक्शन की वजह से मशीन जो है उसका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, अगर फ्रिक्शन ना हो, घिसावट ना हो पार्ट्स की, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकती है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है वो मशीनों की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? क्योंकि कई सारी चीजों में हमें ज्यादा फ्रिक्शन नहीं चाहिए, हमें फ्रिक्शन को कम करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है। सबसे पहला है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है बाय यूज ऑफ ऑयल और ग्रीस। ग्रीस भी लगाते हैं, मोबिल ऑयल डाल देते हैं अगर आपके मशीन पार्ट है तो, मोबिल ऑयल। ये चीजें ऐसी हैं, अगर आप इनका यूज करोगे, फिर आप एक साइकिल चलाते हैं तो उसकी चैन जो है उसमें अगर आप ग्रीस डाल देते हैं तो वो ज्यादा आवाज नहीं करेगी और स्मूथ चलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, कैंची हो या कुंडी हो, इस तरह की कोई भी चीज है, अगर आप उसमें लुब्रिकेशन कर देते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। दूसरा है बाय पॉलिशिंग। पॉलिश करने से भी फ्रिक्शन कम हो जाता है। कैसे? मान लिया कोई लोहे का इक्विपमेंट आपके पास है और उस पर जंग लगा हुआ है काफी ज्यादा, तो सरफेस रफ हुआ पड़ा है, अगर हम उसे किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कराना चाहते हैं तो वो इजीली स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से रब करके पॉलिश कर देते हो, स्मूथ बना देते हो, तो क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और वो दूसरे सरफेस के ऊपर इजीली मूव कर जाता है बाय रबिंग। एंड समटाइम्स हम पेंट भी कर देते हैं, पेंटिंग समटाइम्स। ये सारे मेथड क्या हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के हैं। इसके अलावा स्ट्रीमलाइनिंग। अब ये स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है बेटा? सपोज किसी स्पेसक्राफ्ट में मूव कर रहे हैं या एयरक्राफ्ट में मूव कर रहे हैं, उसकी आपने सामने की साइड देखी होगी, वो नुकीली होती है, वो प्लेन नहीं होती, वो नुकीली होती है। चाहे एरोप्लेन आप नोट कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर, कुछ भी आप नोट करें इस तरह का, जो एयरक्राफ्ट है बेसिकली, तो वो जो शेप होती है आगे की नुकीली, उससे क्या होता है, आगे जो एयर आ रही होती है उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जो एयर फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड करता है। यहां मैं बात कर रहा हूं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वी आर नॉट ओनली डीलिंग द सॉलिड फ्रिक्शन। किसी भी तरह का फ्रिक्शन रिड्यूस करने के आपके पास क्या मेथड है? ये दोनों तो आप सॉलिड फ्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड या एयर या गैसेस के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए आप स्ट्रीमलाइन करते हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब जो बॉडी उसमें मूव कर रही है उसकी जो स्टार्टिंग एंड है उसको थोड़ा नुकीला बना दिया जाता है। नुकीला बनाने से क्या होगा,
उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा और वो हवा को चीर के आगे बढ़ सकता है, तो फ्रिक्शन जो एयर की वजह से था वो कम हो जाता है बाय मेकिंग कॉनिकल शेप ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रंट साइड, फ्रॉम फ्रंट साइड। तो ये हमारे पास स्ट्रीम लाइनिंग हो जाती है बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग मोशन इनटू रोलिंग मोशन। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां कोई ब्लॉक है, इसको छोड़ते हैं तो ये क्या करता हुआ आएगा, ये स्लाइड करता हुआ आएगा। और अगर सपोज यही ब्लॉक विद व्हील्स है, नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं, तो क्या होगा, हालांकि थोड़ा वेट बढ़ गया उसके बावजूद भी ज्यादा इजीली नीचे आएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी हम स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं तब भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। दूसरा सर्कल, और यहां पे बॉल्स होती हैं, बेटा ये शेप होती है बॉल बेयरिंग की। अब इसका काम क्या है वो समझो अच्छे से। जैसे कोई रोड है, आपने इस रोड में दो पहिए डाल के चलाना है, अगर पहिए इसमें फिक्स हो जाएंगे तो रोड भी साथ साथ घूमेगी और पहिया भी घूमेगा। जैसे अगर हम एक बुगी की बात करते हैं सपोज, तो बुगी में अगर वो जो टायर है उससे बुगी सीधी अटैच हो तो जैसे जैसे टायर घूमेंगे बुगी का सरफेस भी नीचे आ जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर बेयरिंग होंगे तो जो बुगी की रोड है वो यहां फंस जाएगी, ऊपर वाला अलग घूमेगा नीचे वाला फिक्स, यानी कि जो टायर है इस रोड के ऊपर ऐसे घूमेगा, रोड फिक्स रहेगी। उस रोड पे आप बुगी रख दो, मतलब सरफेस रख दो जिसपे आप बैठ सकते हो, तो इसका मतलब पहिया चलता रहेगा, वो सरफेस मूव नहीं करेगा। इसका मतलब जितने भी मोशन आप देखते हैं उसमें बॉल बेयरिंग का बहुत बड़ा रोल है, कोई भी मोशन बिना बॉल बेयरिंग के पॉसिबल ही नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है वो जरूर दबाएं, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बेल आइकन दबाने से आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी।